डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों, कल हमने बात की थी फॉर्मल फेंसेस के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल फेंसेस के बारे में। इसके काफ़ी तरह के टाइप्स हैं दोस्तों और इसमें से बहुत क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ये हमारा नया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें से आगे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल फैलसीज क्या होती है, और हमने इससे पहले वीडियो बना रखी है कि फैलसीज क्या होती है, फॉर्मल फैलसीज क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि उसके बाद ही आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों, अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इनफॉर्मल फैलसीज क्या होती है। देखिए, इसको हिंदी में अनौपचारिक मिथ्या तर्क कहते हैं। इनफॉर्मल फैलसीज आर डिफिकल्ट टू स्पॉट बिकॉज देयर आर सो मेनी वे टू हैव insufficient, irrelevant or ambiguous evidence which fail to warrant the conclusion। देखिए, informal fallacies को identify करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर बहुत से type होते हैं और insufficient तर्क दिए जाते हैं और irrelevant तर्क दिए जाते हैं। इसके अंदर काफ़ी तरह की problem आती है इसको identify करने में और क्या क्या दिक्कतें आती है वो सभी हम इसके अंदर बात करेंगे। देखिए, इसमें बहुत से आगमनात्मक तर्क हो सकते हैं जिससे इन तर्कों के निष्कर्ष भी अनंत मिलते हैं, यानी कि ऐसे तर्क होते हैं जो हमें सही भी लगते हैं और लेकिन वो सही नहीं होते, उसके काफ़ी तरह के रिजल्ट निकल सकते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें समझ में नहीं आता। और अब हम बात करते हैं कि इसकी सब कैटेगरी क्या हो सकती है, क्या क्या टाइप हो सकते हैं इनफॉर्मल फैलसीज के। देर आर सो मैनी वेराइटी ऑफ इनफॉर्मल फैलसीज, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू सब कैटेगरी। देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। नंबर एक, फैलसीज ऑफ परसेप्शन, इसके अंदर क्या होता है, अनुमान की भ्रांति। अब देखिए, इसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ये तो है हमारी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अब इस कैटेगरी के अंदर कितने टाइप हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। नंबर एक पे है हस्ते जनरलाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कि ड्राइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम ए इनसफिशियंट सैंपल, दिस इज बेस्ड अपॉन ओनली वन अबनॉर्मल सिचुएशन। इसके अंदर क्या होता है कि इनसफिशियंट हमारे पास सैंपल होता है, उसे हम कंक्लूजन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें एक अपर्याप्त नमूने से एक निष्कर्ष निकाला जाता है, यह असामान्य स्थिति पर आधारित है। अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये ड्राइवर है कार का, ये कह रहा है कि ऑल स्पोर्ट्स कार ड्राइवर आर सो अग्रेसिव। इसका मानना ये है कि जितने भी स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर होते हैं वो अग्रेसिव होते हैं। अब देखिए, इसके पास कोई सुफिशियंट रीजन नहीं है, ये विदाउट किसी रीजन के ऐसे ही अपनी बात कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हस्ते जनरलाइजेशन हमारे पास हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा किस तरह का फैलसीज है। आगे हमारे पास पोस्ट हॉक एर्गो प्रोपरेटर हॉक, इस देखिए ये जो नाम है आपको काफ़ी ऊटपटांग से लगेंगे लेकिन फिर भी हमें इसको समझना जरूरी है। दिस मीनिंग आफ्टर दिस देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि ये जो घटित हुआ है ये इस वजह से हुआ है, हम इसका रीजन देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि इसके बाद इसलिए इस वजह से ये हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि कारण और प्रभाव की व्याख्या की जाती है। इसके अंदर ए हुआ है तो बी हुआ, इसलिए ए ने बी को जन्म दिया, इस तरह की हम बात करते हैं इसके अंदर। देखिए, इसका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कहा है कि इसमें देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये आई मस्ट हैव गॉट
फीवर बिकॉज ऑफ द होमवर्क आई एट लास्ट नाइट, यानी कि मुझे फीवर हुआ है। क्यों हुआ है मुझे फीवर? क्योंकि मैंने लास्ट नाइट होमवर्क, यानी कि एक बर्गर के जैसी चीज़ होती है, वो मैंने खा ली थी। तो इसने रीज़न दिया है कि मेरे को फीवर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पिछली रात बर्गर खा लिया था। एक और इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल, मैंने एक गाय देखी और मेरी कार की दुर्घटना हो गई, इसलिए गाय देखना अपशगुन है। तो इन्होंने एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और इससे भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे रीज़न दिया जाता है कि किस कारण से क्या हुआ, और वो रीज़न जो है वो सही रीज़न नहीं हो सकता। आगे हमारे पास स्लिपरी स्लॉप, इसके अंदर क्या होता है, अपर्याप्त प्रमाण के साथ नकारात्मक परिणामों की भविष्यवाणी करना। यानी कि हमारे पास अपर्याप्त परिणाम होते हैं, सही क्या है कि सही आर्ग्यूमेंट नहीं होते, उसके ऊपर हम नकारात्मक परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। और इसका देखिए, एक आया था हमारे एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आया था इसके अंदर, आया था स्लिपरी स्लोप से ये क्वेश्चन आया था। इसके अंदर क्या है, इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती, कुछ चिकित्सक निजी प्रैक्टिस करते हैं और महंगी दवाइयाँ लिखते हैं, ठीक है, इसलिए इस अस्पताल में घटिया गुणवत्ता स्तर का उपचार किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव परिणाम निकाला है, और इनके जो भी आर्ग्यूमेंट है वो सही तरीके से सही नहीं है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि इस अस्पताल में कुछ नर्सें सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती। अब देखिए, कुछ जो नर्स है वो सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अस्पताल है घटिया स्तर का इसमें उपचार होता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपर्याप्त हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं, उन्हीं से हम नकारात्मक परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। और आगे हम बात करते हैं वीक एनालॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है, उन मामलों से निष्कर्ष निकालना जो अपर्याप्त रूप से समांतर है। अब देखिए, दो चीज़ें हमें समांतर दिखाई दे रही है, ठीक है, उनसे हम कुछ अपर्याप्त परिणाम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका भी एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्स इज लाइक वाई, जो एक्स आदमी है वो वाई के जैसा है, उसके जैसा है, ठीक है। वाई हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पी, यानी कि वाई के अंदर पी की प्रॉपर्टी है, पी के गुण हैं। अब देखिए, इसको अच्छे से समझिए, एक्स जो है वो वाई के जैसा दिखता है, उसके जैसा है, और वाई है, वाई के अंदर किसके गुण है, पी के गुण है, देयर फॉर एक्स हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पी। अब इसने रिजल्ट निकाल दिया कि एक्स के अंदर भी पी की प्रॉपर्टी है। अब देखिए, यहाँ पे सिमिलर है, समांतर दिख रही है ये दोनों चीज़ें, और यहाँ से हमने पी का रिलेशनशिप इसके साथ निकाल दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पी की प्रॉपर्टी एक्स के अंदर होगी ही होगी, ये हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते। और आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत हैं, इसके अंदर हम नेगेटिव तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो हाँ भरेगा तो भी वो गलत होगा, ना कहेगा तो भी वो गलत होगा। कि हम कहते हैं कि क्या आप मानते हैं आपने झूठ नहीं बोला, इस तरीके से, आपने झूठ नहीं बोला, क्या आप मानते हैं, कि इस तरह से हम कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर वो हाँ का हाँ में जवाब दे और ना में भी दे तो दोनों तरफ वो गलत होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आदमी समझ नहीं पाता कि इसका आंसर मैं क्या दूँ। आगे हम बात करते हैं कम हॉक एर्गो प्रोपर्टर हॉक, ये चीज़ हमने पहले भी की थी, और अब दोबारा से फिर देख लेते हैं कि इसका अर्थ है इसके साथ इसलिए इस वजह से हुआ, ये हम ऊपर करके आए हैं ना। अब देखिए, जो हमने ये किया था, ये बुखार वाला, इसका फीवर हो गया था, ये ऐसा ही है, सेम टू सेम वही है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। आगे हम बात करते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलसी, इसके अंदर क्या होता है, दिस इंक्लूड टू ब्रॉड ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ ए प्रीमाइस। इसके अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो उस बेस पे हम उसको बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मानने लग जाते हैं। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दौड़ लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हम सभी को पता है कि दौड़ लगाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हम ये कहते कि 10 मील दौड़ लगानी चाहिए तो ये तो अच्छा नहीं है ना। अगर कोई कह दे कि 10 मील तक हमें दौड़ना चाहिए, ये तो फिर हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के अच्छा माना गया है किसी चीज़ को, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलसी आंसर हो जाएगा।
तो ये थी हमारी एक कैटेगरी थी, देख लीजिए आप, एक कैटेगरी के ये प्रकार है और हम कौन से कर लेते थे, फैलसी ऑफ प्रिंसेप्शन। और आगे हम बात करते हैं, हमारे पास है फैलसी ऑफ रिलेवेंस। अब देखिए इसके भी कई टाइप है, उनके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें तर्क के बजाय भावनाओं से अपील करते हुए अप्रासंगिक जानकारी द्वारा लोगों को बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि सही आर्ग्यूमेंट नहीं देते, हम इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली किसी बात के लिए मनवाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आर्ग्यूमेंटम एड वोकेलम, अब इसके अंदर क्या होता है, अपील टू द स्टिक। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी को डराने की कोशिश करते हैं, अपील टू फियर। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कल काम कर लेना भाई, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा तुम्हें, कल मुर्गा बनाऊंगा, ऐसे कहते हैं ना, हम क्लास के अंदर हमने सुना है। तो वहाँ पे ड्रा के किसी से बात बनवाने की कोशिश की जाती है। हम कहते हैं या तो सच बोल दे, नहीं मैं तेरे को बहुत बुरा होगा तेरे साथ, डराने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंटम एड मिसेरिकॉर्डियम। अब इसके अंदर क्या होता है, अपील टू पीटी, यानी कि इसके अंदर हम दया से मनाने की कोशिश करते हैं। कहते कि भाई यार प्लीज मान जा, यार मान जा, मेरे लिए कर दे यार, उसमें हम दया से किसी को मनाने की कोशिश करते हैं। आगे है हमारे पास आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। अब इसके अंदर क्या होता है, अपील टू द पीपल, अपील टू पॉपुलरिटी। इसके अंदर हम किसी लोकप्रिय आदमी के बारे में बता के उससे अपील करते हैं, भाई देख तू ना ये काम कर, तू फिर वैसा बनेगा, तेरे को भी इनाम मिलेगा, उस लड़के को देख, वो लड़का जब पास आया था ना तो उसके घर वालों ने उसको वो चीज़ दिलाई थी, और अगर तू ये करेगा ना तो तू भी शाहरुख खान की तरह इस तरीके से बहुत पॉपुलरिटी होगी तेरी। यानी कि किसी पॉपुलर आदमी का हम उदाहरण दे के उसको वो लालच दिखा के अब उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इन ईच ऑफ दीज केसेस वी आर यूजिंग इमोशन विच आर ई रिलेवेंट टू द थीसिस बींग कंसाइडर्ड इन द आर्ग्यूमेंट। यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हम ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है हमारा किसी से अपनी बात मनवाने का, क्योंकि हो सकता है अगले को वो चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन हम उसको डराएं या धमकाएं या फिर उससे दया की अपील करें तो वो है ना, वो कहीं ना कहीं गलत होगी। अदर फैलसीज ऑफ रिलेवेंस अकर वेन वी इंट्रोड्यूस एविडेंस दैट शिफ्ट फोकस अवे फ्रॉम द थीसिस बिंग कंसाइडर। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम उसको प्रूफ दिखाने की कोशिश करते हैं, एविडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। इसके अंदर क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, इसके अंदर किसी व्यक्ति के खिलाफ हम बात करते हैं। शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम द थीसिस टू पर्सन करेक्टर, इसके अंदर व्यक्ति के चरित्र के बारे में हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि हम बात करते हैं कि हम उसके अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे बहस चल रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वकील है वो जो भी मुजरिम वगैरह होता है उसके करेक्टर पे सवाल उठाता है कि इसने, माई लॉर्ड, इसने ये किया था, इसने वो किया था, इसने उस दिन झूठ बोला था और इसने ये कत्ल किया था। यानी कि उसके चरित्र पर हम ध्यान देते हैं और उसको जो उसको अभियुक्त बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको मुजरिम बनाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम हो सकता है कि हम उसको जो मुद्दा है, मुद्दे से भटक के उसकी कमियां गिनवा के उसको गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रेड हियरिंग। इसके अंदर क्या होता है, थीसिस से ध्यान हटाने के लिए अप्रासंगिक जानकारी पेश करना। इसके अंदर क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ पसंद है, उसको उसके अलावा कुछ और चीज़ का लालच दे दे, उसका ध्यान भटका दे, तो वहाँ पे क्या होगा, रेड हियरिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए एक छोटी सी बच्ची ये कह रही है कि मॉम आई वांट दैट टॉय, यानी कि मुझे वो खिलौना चाहिए, लेकिन इसकी मम्मी कहती है कि हे लेट्स रश होम, यानी कि घर चलो, यम ट्रीट फॉर यू, यानी कि वहाँ पे तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जल्दी से घर चलो, मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, जल्दी से चलो, घर पे मामा आए हुए हैं। यानी कि ये इसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लड़की क्या चाह रही है, बच्ची ये खिलौना लेना चाह रही है, लेकिन मम्मी कह रही है नहीं, घर चलो, जल्दी से घर चलो, वहाँ पे मैंने तेरे लिए अच्छा खाना बनाया है, वहाँ पे मामा आए हुए हैं, वहाँ पे तेरा वो फेवरेट टीवी सीरियल आया हुआ है। यानी कि इसका ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। आगे आगे हम बात करते हैं इग्नोरेंस इलेंजी। इसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग द रॉन्ग कंक्लूजन फ्रॉम द एविडेंस, यानी कि साक्ष्य से गलत निष्कर्ष निकाल लेना। अब देखिए यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक पांडा है, ये पांडा क्या कह रहा है? इफ साइलेंट मूवी आर ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि अगर साइलेंट मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है एंड पांडा आर ब्लैक एंड व्हाइट, पांडा भी ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए देन पांडा मस्ट बी साइलेंट मूवी। ये कह रहा है कि जो पांडा है वो भी साइलेंट मूवी है फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम साक्ष्य से गलत निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास एविडेंस है उनसे रॉन्ग कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारे पास स्ट्रॉ मैन फेलसी, इसके अंदर क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति आदि की बातों को सिद्ध करने के लिए उसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। देखिए जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉ मैन। स्ट्रॉ मैन का हिंदी में मतलब ये होता है कि वो जो हमारे खेतों में एक पुतला जो होता है, ड्रेवा कहते हैं हरियाणा में उसको, ड्रेवा यानी कि डराने के लिए, पक्षियों को डराने के लिए होता है वो। तो इसके अंदर आदमी ऐसा तो नहीं होता ना, ये देखिए कैसे इनके हाथ बना रखे हैं और ये मुंह देखिए कैसे बना रखा है, तो और टांगे देखिए कैसे बना रखी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम पक्षियों को डराने के लिए उसको ये डरावना पुतला यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके अंदर यही होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बढ़ा चढ़ा के कुछ बात कहें और वो उसके बारे में अच्छी हो ही ना, गलत बात भी हम उसके अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉमैन फेलसी होगा। और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये जितने भी फेलसीज करवाई इन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे नंबर 3 पे जो कैटेगरी हमारे पास फेलसीज ऑफ क्लियरिटी और एम्बिग्युटी है दोस्तों, इसमें स्पष्टता की कमी के कारण या शब्दों की गलत फहमी से भी गलती हो सकती है। अब जो शब्द हमारे पास होते हैं वो स्पष्ट तरीके से नहीं हो सकते और उससे हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठते हैं। और उसके अंदर क्या क्या है, किस तरह की फेलसीज है, क्या क्या टाइप है, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आता है इक्विवोकेशन। इसके अंदर क्या होता है? अप्लाइंग डिफरेंट डेफिनेशन टू ए सिंगल टर्म इन एन आर्ग्यूमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग डेफिनेशन को लागू कर देते हैं, एक तर्क में एक ही शब्द के लिए विभिन्न भाषाओं परिभाषाओं का उपयोग करना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? इक्विवोकेशन फेलसी हमारे पास होगी। इसका देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, गिविंग मनी टू चैरिटी इज द राइट थिंग टू डू, यानी कि चैरिटी में पैसे देना हमारे लिए एक अच्छी बात है। सो चैरिटी हैव ए राइट टू अवर मनी। तो इसमें यह कहा है कि चैरिटी है वो उनका अपने पैसे पे अधिकार है। अब यहाँ पे जो राइट है, राइट का अधिकार मतलब निकल रहा है यहाँ पे इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट का मतलब था अच्छी बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही शब्द है लेकिन इसका मीनिंग दोनों जगह पे अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे ये होगी इक्विवोकेशन फेलसी हमारे पास होगी। बात करते हैं एमपी ही बोली, इसके अंदर क्या होता है? ड्राइंग ए कंक्लूजन फ्रॉम ए ग्रामेटिकल एम्बिग्यूटी, यानी कि व्याकरणिक अस्पष्टता से हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब देखिए अलग हमारे हिंदी में काफी शब्द होते हैं जिनसे हम अलग मतलब निकाल लेते हैं, जैसे एक होता है साम, साम एक होता है शाम। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम साम लिखेंगे तो अलग मतलब निकलेगा उसका, लेकिन शाम लिखेंगे तो उसका मतलब अलग निकलेगा। लेकिन अगर वहां पे व्याकरणिक गलती होगी तो सीधी सी बात है उसका गलत मतलब निकलेगा ही निकलेगा। आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन। अब इसके अंदर क्या होता है? किसी एक पार्ट से पूरे भाग का निष्कर्ष निकाल लेना। तो अब देखिए जैसे मान के चलिए कोई हमें दोस्त ये कहे कि यार वहां पे ना मेरे को बहुत जरूरी काम है, क्या तू चलेगा क्या? तो अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि नहीं यार मैं नहीं जा सकता, ठीक है, और आगे वो रीजन बताना चाहता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता, क्या रीजन है, वो रीजन सुने ना पहले ही जो पहले वाला दोस्त है वो कहते ठीक है भाई ठीक है, तुम ना जा, मेरे मुझे तेरी जरूरत नहीं है और कोई जरूरी नहीं है, मैं आगे से तेरे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन अगला व्यक्ति कहे भाई रुक तो सही यार, मेरा रीजन तो सुन, क्यों नहीं जा रहा मैं। लेकिन अगर हम उसके एक ही पार्ट से निष्कर्ष निकाल ले तो वो होगा कंपोजिशन होगा वहां पे। आगे हम बात करते हैं डिवीजन की, बात करते हैं अगर कोई बात पूरे भाग के लिए सही है तो वो उसके सभी पार्ट के लिए भी सही होगी। कई बार हम एक ही बात को सही मान के और उस व्यक्ति के बारे में पूरी राय बना लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर यही है कि किसी एक भाग को हम सही मान लेते हैं, उसी से हम अलग जो और पार्ट है उनका भी डिसीजन निकाल देते हैं। आगे नेचुरल फेलसी,
कोई चीज दिखने में अच्छी हो सकती है प्राकृतिक रूप से, लेकिन सच में शायद हानिकारक हो सकती है, तो वहां पे क्या होगा, नेचुरल फैलसी होगा। अब देखिए, सम अदर टाइप ऑफ फैलसीज के बारे में हम बात करते हैं। फैलसी ऑफ ट्रेवल रीजन, इसके अंदर क्या होता है, किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण निष्कर्ष की सत्यता या मिथ्यता को स्थापित करने में बहुत ही महत्वहीन है। यानी कि कोई कंक्लूजन निकल रहा है, उसके लिए हम कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके सही होने में या निष्कर्ष निकालने में बहुत ही कम सहायक हो रहा है, बहुत ही कम महत्व है उसका, इसके अंदर ये होता है। और इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा, तो ये देखते हैं। साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ऑडियोबल, ये कह रहा है कि साउंड जो है वो परमानेंट है क्योंकि ये हमें सुनाई देती है। तो ये जो है ना, इसका महत्व बहुत कम महत्व आ रहा है, ये ना, इससे तो हम अच्छे तरीके से नहीं कह सकते ना कि साउंड जो है वो परमानेंट है। और परमानेंट कैसे, जैसे किसी ने कोई बात कह दी, ठीक है, तो वो बात कह दी तो वो उसी टाइम चली गई ना वापस, तो वो ये तो नहीं है कि पूरे दिन गूंजती रहेगी या चलती रहेगी। तो ये हम इसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकते, यहाँ पे इसका जो महत्व है वो बहुत कम महत्व है। महत्व हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत महत्व, लेकिन इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर फैलसी ऑफ ट्राइबल रीजन हमारे पास हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं फैलसी ऑफ इरिलेवेंट रीजन, इसके अंदर क्या होता है, किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण सत्य या निष्कर्ष के लिए अप्रासंगिक या बेतुका होता है। अब देखिए, इसके अंदर यही है कि कोई हमें निष्कर्ष निकालना है, उसके समर्थन में जो कारण दिया गया, आर्ग्यूमेंट दिया गया है, वो बेतुका होता है, वो उससे मिलता ही नहीं है, बिल्कुल अलग होता है, तो वहां पे क्या होगा, फैलसी ऑफ इरिलेवेंट रीजन होगा, बिल्कुल अलग होगा, बेतुका होगा उसके अंदर। आगे हम बात करते हैं फैलसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, किसी निष्कर्ष के समर्थन में दिया गया एक कारण सत्य या निष्कर्ष के लिए विरोधाभासी हो सकता है। यानी कि कोई बात कही गई है और उसके उस बात को प्रूव करने के लिए कोई रीजन दिया गया है, तो वो जो रीजन है ना वो कंट्राडिक्टरी हो सकता है, विरोधाभास उसके अंदर हो सकता है, तो वहां पे क्या होगा हमारे पास, फैलसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन होगा। अब देखिए, इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे एग्जाम के अंदर, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज प्रोडक्ट लाइक ए जार, तो ये क्या है, कंट्राडिक्टरी का मतलब है कि बिल्कुल अलग है और विरोधाभास हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, हो जाए फैलसी ऑफ कंट्राडिक्टरी रीजन हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं है क्योंकि इसके अंदर विरोध हो रहा है, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट लाइक जार। कोई कहेगा कि साउंड परमानेंट है क्योंकि ये जार की तरह है, जार मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम अचार वगैरह डालते हैं, कुछ चीज़ें डालते हैं, अगर मान के चलिए मैं आपको कहूँ कि साउंड जो है वो परमानेंट है क्योंकि जार की तरह एक प्रोडक्ट है, तो आप विरोध करोगे ना मेरी बात का कि नहीं नहीं सर आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल विरोध करोगे मेरी बात का, तो वहाँ पर क्या होगा, कंट्राडिक्टरी रीजन हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं फैलसी ऑफ रॉन्ग एसरेशन, इसके अंदर क्या होता है, एक कारण बार बार दोषपूर्ण होने के बावजूद सही माना जाता है। एक कारण, एक रीजन देते हैं हम, ठीक है, वो बार बार गलत होने के बावजूद भी उसको सही माना जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फैलसी ऑफ रॉन्ग एसरेशन होगा। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो, और इसके अंदर मैंने आपको सभी टाइप ऑफ फैलसी, इनफॉर्मल फैलसीज करवाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको नई चीज़ें पता चली होगी और अच्छे से आप समझ पाए होंगे। मैंने आपको हर एक फैलसी विद एग्जाम्पल आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कॉमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।